सबसे पहले क्या करेंगे, कीबोर्ड की सहायता से टेबल लेने के लिए अल्टर प्रेस करेंगे। इसके बाद हमारे पास टैब के ये जो है सिंबल शो हो चुके हैं। अब हमें इंसर्ट टैब पे जाना है। इंसर्ट टैब पर जाकर हमें टेबल मिलती है। इंसर्ट टैब पर जाने के लिए हमें सिंबल दिख रहा है एन, तो आप एन प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। अब अल्टर प्रेस करना है, फिर आपको ये सारे शो होने लगेंगे। फिर आपने एन प्रेस कर दिया क्योंकि इंसर्ट टैब पर क्या था, एन था। अब इसमें हमें टेबल लेनी है, टेबल के लिए शॉर्टकट की क्या है, टी, टी प्रेस कर देंगे। अब इंसर्ट करनी है, ड्रॉ करनी है या फिर इन सब में लेना, इन सब में दिखा रहा है कि किस में क्या दबाना है आपको, तो आप आई प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग नंबर डाल दें और एंटर कर दें, टेबल आ गई बिना माउस की सहायता। वहाँ पे जैसे 5 या 2 लिखा था, वहाँ पे नंबर बढ़ा देंगे तो बड़ी टेबल आ जाएगी। आ जाइए, अभी हम कल पूछेंगे, याद रखना ठीक है, ग्रुप में बता देंगे सर। ठीक है चलिए आ जाइए। इंसर्ट टैब पर आज हमें हेडर और फुटर पढ़ना था, इसे पढ़ते हैं। हेडर और फुटर किस लिए दिए जाते हैं, हेडर में क्या है, हमें कोई भी हेडिंग देनी है, कॉलम का ऊपर नाम देना है, तो हम इसके लिए हेडर का यूज करते हैं। और फुटर में पेज नंबर, ऑथर का नाम या कोई भी एडिशनल वर्ड की इंफॉर्मेशन देते हैं, तब फुटर का यूज करते हैं। हेडर पेज के ऊपर दिया जाता है टॉप मार्जिन पे, और फुटर पेज के नीचे दिया जाता है बॉटम मार्जिन पे। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट लेंगे, इक्वल लगाएंगे, रेंड लिखेंगे, शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन और शिफ्ट के साथ 0 से ब्रैकेट क्लोज। ये इसमें क्या होता है, ज्यादा आ जाता है एक बार, उसमें फिर हमें बार बार लेना पड़ता है। इसकी लाइन अच्छी लगती है ना, क्योंकि वो बिल्कुल मार्जिन से टच होके लास्ट तक आती है। कौन है ये, वो 5 और 10 क्या था, कितने ब्रैकेट लेने हैं, मतलब वो कितने वो पैराग्राफ लेने हैं और कितनी लाइन लेनी है, इसके अकॉर्डिंग अपन ने ले लिया। अब जैसे ये हमने टेक्स्ट ले लिया है, ये हमने टेक्स्ट लिखा था, इसमें हमें देना है हेडर और फुटर, तो हम इसे 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला क्या है, अगर ये पेज की जो टॉप मार्जिन है इस पर हम डबल क्लिक कर देंगे तो वो हो जाता है एक्टिव, डबल क्लिक किया ये हेडर फुटर एक्टिव हो जाता है। और दूसरा कहाँ से करेंगे, इंसर्ट टैब पर जाएंगे, इंसर्ट टैब पर जाकर ये हेडर है यहाँ से अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से आपको टाइप्स दिए गए, अरे आवाज नहीं, यहाँ से आपको ये कुछ टाइप्स दिए गए कि आपको एक में लेना है, 3 लेने हैं या फिर इस ब्लू लाइन में लेना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ये फॉर्मेट्स दिए गए हैं, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग हेडर अप्लाई करना है वो आप कर सकते हो। ये फर्स्ट वाले ले लेते क्या कहते हैं, हेडिंग दे दें, जैसे आप बहुत बड़ी कोई किताब लिख रहे हैं, अब हर पेज पे जाकर तो हम टाइप करेंगे नहीं, तो इससे क्या करते हैं, एक बार में ही टाइप कर दो तो हर पेज पे सेम वो आ जाता है, हेडर पेज नंबर या फिर ऑथर का नाम वगैरह कुछ देना है वो भी सब साथ में आ जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मेट्स देंगे कि आपको एक ही लेना था, 3 लेना था, और नीचे आप जाते जाएंगे स्क्रॉल करके और भी मिलेंगे। हम यहाँ पे ऊपर वाला ले लेते हैं। अब यहाँ पे टाइप हेयर में आप करेंगे अपना फोटो टाइप कर देंगे, मतलब हेडर टाइप कर देंगे जो भी आपको यहाँ देना है। कौन था मिसाल में, यार मुझे विश्वास नहीं था कि आप बता देंगे। जैसे आप यहाँ से हेडर या फुटर लेते हैं, आप हेडर अप्लाई करेंगे तो वो फुटर नीचे आ जाता है। अब इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे ऑथर का नाम दे देते हैं, जैसे हमारी बुक थी हमने यहाँ पे ऑथर का नेम दे दिया। ठीक है, ये ऑथर का नेम दे दिया। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर से पेज लेते गए हमने, इसमें भले टेक्स्ट नहीं ले लिया लेकिन पेज ले लिया। पेज लेने पे क्या हुआ, ये हेडर
और ये फुटर अपने आप अप्लाई हो गया। अब हम इसमें यहाँ पे टेक्स्ट दे सकते हैं, टेक्स्ट दे देंगे। फुटर और हेडर अपने आप अप्लाइड है उसमें, है ना, हर पेज पे आ जाएगा। एक पे देना है केवल, फिर सब पे आ जाएगा बिना कॉपी का। इसी यही तो फायदा है इसका कि जैसे अगर हमने 500 पेज की किताब भी लिखी है तो भी बस एक पेज में दे दो, सारे में अप्लाई हो जाए। खुद टाइप कर लो। जैसे अगर बहुत सारे पेजेस में चाहिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि मतलब सारे पेजेस में आपको सेम हेडर और फुटर मिल जाता है। अब जैसे ही आप यहाँ से एक्टिव करते हैं तो आपके सामने ये हेडर एंड फुटर में डिजाइन ये आता है ऑप्शन। इसमें सबसे पहले आपको दिया हेडर, आप इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वही सारी चीजें दी हैं जो हमें यहाँ पे अप्लाई करने पर मिल रही थी। ये वही फॉर्मेट्स हैं, मोर हेडर फ्रॉम office.com। ये कब मिलता है जब हम इसका ऑनलाइन वर्क मतलब ऑनलाइन इसको यूज करते हैं। अभी हमने इसमें साइन इन नहीं करा है, हम इसे ऑफलाइन सीख रहे हैं और बिना किसी अकाउंट के सीख रहे हैं क्योंकि हम अभी एजुकेशन मोड में हैं। जब आप किसी कंपनी में वर्क करेंगे तो आप उसमें साइन इन तो करेंगे, अकाउंट ओपन करेंगे, तब ये क्या होगा अप्लाई होने लगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये दिए हैं ना ऐसे इसमें और फॉर्मेट मिल जाते हैं। अगर उनमें से कोई आपको ठीक लगता है तो आप क्या करेंगे यहाँ से सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी कर देंगे, उसे यहाँ पे सेव कर देंगे तो इनके बीच में आ जाएगा। इसके बाद है एडिट, अगर आपको इसमें कुछ टाइप करना है तो आप एडिट कर दें तो वो टाइप होने लगेगा। और इसमें है लास्ट है रिमूव, अगर आपको उसे हटाना है आप रिमूव कर दें वहाँ से हट जाएगा। सेम ऐसा ही है फुटर में, हम नीचे जाते हैं, ये फुटर है, इसके ड्रॉप डाउन पे सेम वही ऑप्शन दिए हैं। यहाँ से आपको और वो जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तब मिलेंगे, अगर उनमें से कोई आपको ठीक लगता है तो आप यहाँ सेव सिलेक्शन टू फुटर गैलरी कर देंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ टाइप करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं इसे, और इसे रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। एक में रिमूव किया, सारे में से रिमूव हो गए, नहीं किसी में नहीं है। इसके बाद यहाँ पे डेट एंड टाइम पेज नंबर का है। पेज नंबर में क्या है, अगर आपको पेज नंबर देना है तो इसमें कुछ टाइप्स दिए गए हैं। टॉप ऑफ द पेज, जब आप इसके ऊपर लेके जाते हैं तो प्रीव्यू भी शो कराता है, टॉप ऑफ द पेज के ऊपर लेके जाएंगे तो इसमें भी तीन तरीके दे रहा है अलाइनमेंट के बेस पे कि लेफ्ट साइड लेना है, सेंटर में लेना है कि राइट साइड में लेना है। इनमें से आप चाहें तो कोई सा भी ले सकते हैं। ये पेज के नीचे आएंगे, ये पेज की मार्जिन यानी जस्ट लेफ्ट साइड में आएंगे, ये करंट पोजीशन पे कुछ अलग अलग टाइप से कि पहले बंद दिया है फिर पेज लिखा है, फिर पहले इसमें पेज लिखा है फिर बंद लिखा, अलग अलग फॉर्मेट्स में दिए हैं। जो भी ठीक लगता है पेज नंबर देने के लिए यहाँ से दे सकते हैं। फॉर्मेट नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर में क्या होता है कि हम 1 2 3 ले रहे थे लेकिन हम कुछ हिंदी में टाइप कर रहे हैं, 1 2 3 नहीं चाहिए, 1 2 3 चाहिए, का खा गा चाहिए, रोमन नंबर्स में चाहिए, तो आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, ABCD रोमन नंबर, का खा गा, 1 2 3 हर वे में मिलेंगे, ठीक है, हिंदी वे भी है ये, तो जो भी आपको चाहिए वहाँ से आप सिलेक्ट करके और ओके कर देना, पेज नंबर उस बेस पे यहाँ पे आने लगेंगे जब आप यहाँ से ले लेंगे। ये हमने टॉप ऑफ द पेज ले लिया और ये आया कैसे में रोमन नंबर में क्योंकि हमने रोमन नंबर सिलेक्ट करे थे। नेक्स्ट है यहाँ पे डेट एंड टाइम का ऑप्शन, आपको यहाँ पे आज की करंट डेट और टाइम इंसर्ट करने हैं। आप डेट एंड टाइम पे जाएंगे, आज की तारीख है 13 जनवरी 2024 और इसमें टाइम भी शुगर आ रहा है, कितने बज रहे हैं, 8:45:55 सुबह की AM। तो ये आपके पूरे अवेलेबल मतलब ये जो डेट फॉर्मेट्स हैं आपको इसमें जो भी डेट का फॉर्मेट चाहिए कि आप जिस तरीके से इसमें लाना चाहते हैं वो अपला सकते हैं। केवल टाइम लाना है, केवल डेट लानी है, डे के साथ लानी है या टाइम के साथ लानी है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, वो इधर पे इंसर्ट हो जाएगी आज की करंट डेट और करंट टाइम, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ऑथर का नाम देना है तो आप यहाँ से ऑथर का नाम दे देना, फाइल का नाम दे देना, कोई पाथ का नाम देना है, कोई डॉक्यूमेंट का टाइटल वगैरह देना है तो यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से ये आपको मतलब चार ही दिए, अगर हम कुछ और अलग कुछ कर रहे हैं, हम और ऑप्शंस में चाहिए तो आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे कि कुछ अलग से ऑथर का नाम, कैटेगरी, कंपनी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कुछ जो भी आपको इधर से इंसर्ट करना है। आप केवल उस पर क्या करेंगे कि उस पर क्लिक करना है, ये ऊपर ये शो होने लगता है और यहाँ पे आपको बस टाइप करना है कि आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है, बस बाहर क्लिक करने में वो हट जाएगा लेकिन जब इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ वो करा देगा कि है क्या कंपनी का एड्रेस, ऐसे ऑथर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पब्लिश डेट, जो भी देनी हो वो यहाँ से दे सकते हैं। लेकिन इसमें भी क्या है कि आपको यहाँ पे सीमित ही ऑप्शन मिल रहा है पर आपको और भी